एटम्बर की रेलिसा मॉडल में अगर आवाज आ जाए खिसखिस या घिसखिस इस तरह की आवाज करने लग जाए तो किस तरह से रिपेयर करना है आज हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अक्सर मैं कहता हूँ जो एटम्बर की जो VLDC मॉडल फैन है देख सकते हैं ये हमारे पास, इसमें से आवाज आ रही है बहुत ही ज्यादा। तो जैसा कि दूसरा भी मेरे पास मॉडल है सेम टू सेम देख सकते हैं एटम्बर का VLDC रेनिसा मॉडल, तो इस मॉडल में अक्सर इस तरह की आवाज़ें आती है। तो इस आवाज़ आना लाजिम है क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की रिपेयर किस तरह से करना है आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमने कर दिया है फैन को चालू, यहाँ पर देख सकते हैं फैन चालू हो रहा है और इसके अंदर से किस तरह की आवाजें आएंगी तो आपको सुनाई देगा। अगर इस तरह की आवाजें आती है तो सुन सकते हैं इसमें से किस तरह की आवाजें आ रही है। तो ये जब अभी लो स्पीड पे है यानी फुल स्पीड करने के बाद इसका आवाज इससे भी ज्यादा 2-3 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से VLDC फैन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं दो स्क्रू लगा हुआ है, हमने निकाल दिया है और इसका जॉइंट जो है सर्किट के साथ कॉइल के जो उनको खोल देंगे। यहाँ पर पिन लगा हुआ है और इसके अंदर एक नट है, इसको हम खोल देंगे तो ये चीज़ जो है हमारा सर्किट जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सर्किट को कर दिया है अलग और अभी यहाँ पर ऊपर इसका नट बोल्ट लगा हुआ है, इन नटों को हम 10 नंबर पाने से खोल देंगे। तो यहाँ पर हम नट खोल चुके हैं और इसको भी अलग कर देंगे और अभी हम नीचे से इसकी कैप जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप लगा हुआ है, तो इसको आप बाएँ की तरफ इस तरह घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो नहीं खुले तो सबसे क्या करना है, यहाँ पर एक गार्ड आपको दिखाई देगा, इस गार्ड में स्क्रूड्राइवर लगा के इस तरह से हमार मार देंगे थोड़ा हल्का हिसाब से, बस प्लायर की मदद से। बस यहाँ पे देख सकते हैं ये ढीला हो चुका है, अब हम बाइक की तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये थ्रेड सिस्टम है इसका जो खबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कॉइल, इसके अंदर सर्किट है तो आपको धीरे धीरे कैसे खोलना है और यहाँ पर इसका वायरिंग लगा हुआ है। तो अभी हम इसको उल्टा करके इस तरह से धीरे धीरे मारेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे मारेंगे जो ये जो कॉइल है इसका जो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे मारना है, बस ये देख सकते हैं कॉइल जो हमारा बाहर आ चुका है और यहाँ पर हम आपको कॉइल फिर की फायर फंस गया है। तो देख सकते कॉइल बाहर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं VLDC कॉइल है और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जिसके इसका प्रॉब्लम है मैं आपको कॉइल दिखा देता हूँ कि इतना काफ़ी बढ़िया कॉइल इसमें यूज़ किया जाता है, काफ़ी मोटे साइज़ का इसमें देख सकते हैं कॉइल है जिसकी वजह से ये कंपनी इसको इस पर 2 साल की वारंटी देता है क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, बस टेक्निकली कुछ इशू आ जाता है इसमें, बस यही है जो प्रॉब्लम है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग है क्योंकि ये एक वायरिंग पर खड़ा होता है और देख सकते हैं वायरिंग भी हमारा बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आता है, इसकी जो मैग्नेट है देख सकते हैं इसकी मैग्नेट साइड में घिस चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉइल में ये कॉइल मतलब मैग्नेट के साथ साइड में हमारा कॉइल जो है मैग्नेट के साथ घिस रहा है यानी टच हो रहा है जिसकी वजह से ये साउंड आता है। तो अक्सर हमारा रेनिसा मॉडल में यही प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से क्यों आता है, क्योंकि ये जो मैग्नेट है पीस पीस करके इसमें आटा यूज़ किया जाता है और जब इसका आटा कमज़ोर हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो आटा है कमज़ोर होकर टूट के बाहर आ चुका है जिसकी वजह से ये कॉइल इसमें टच हो रहा था जिसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। तो हमारा रेनिसा मॉडल में यही प्रॉब्लम होता है इसका जो आटा है, क्योंकि ये जब भी हमारा कॉइल हम फैन चलाते हैं तो गर्म होता है, गर्म होकर इसका आटा का जो टेम्पर है ये बाहर ख़त्म हो जाता है और ये आटा हमारा कुछ काम का नहीं रहता है। तो ये मैग्नेट इस तरह से बाहर आने की वजह से कॉइल के साथ अटैच होके हमारा यहाँ पर साउंड आ जाता है। तो सबसे पहले हमें यह क्या करना है, इसको हम दूसरा आटा लगाएंगे, फिर से एरोलाइट आटा का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आटा लगा हुआ है देख सकते हैं इसको हम पूरा घिस के ऊपर उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसको घिस के उठाना बहुत ज़रूरी होता है वरना यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा होकर फिर से टच हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एरोलाइट आटा है, किसी भी आपको हार्डवेयर में ये आसानी से मिल जाएगा। तो इन दोनों को एक करके पेस्ट बना के हम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम रेगमेल पेपर की मदद से का जो मैग्नेट है इसको पूरा घिस के इसका जो आटा है निकाल देंगे, जो पुराना आटा लगा हुआ था इसको निकालना ज़रूरी है वरना यहाँ पर थिकनेस पैदा हो के जो मैग्नेट जो है थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा और हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट और कॉइल के बीच जो गैप रहता है बस वो थोड़ा एक आधा mm इस तरह रहता है और इसके अंदर भी हम पूरा इस तरह से घिसेंगे रेगमेल पेपर की मदद से घिस के इसका जो पुराना आटा है इसको पूरा यहाँ पर उठा देंगे और उठा के हम यहाँ पर एरोलाइट आटा का यूज़ करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा साफ़ करके उठाना है
तो जितना आप साफ़ करेंगे उतना ही बेहतर होगा। चौप का आटा जो नया हिसाब से मारेंगे वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाएगा। तो अभी हम देख सकते हैं पूरा इसको क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से आपको क्लीन करना है और बाकी सबको चेक करना है कौन सा उठा है आना कौन सही है। तो ये बाकी सब हमारा देख सकते हैं पूरा सही है, बस इसी में घिस रहा था। और अब हम एरोल्डाइट आटा का यूज़ करेंगे। तो एरोल्डाइट आपका दो हमारा मोलम के अंदर आता है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम थोड़ा यहाँ पर ले लेंगे और बस हो गया है। और दूसरे से हम बिल्कुल, आपको ये एरोल्डाइट दोनों एक ही पैकेट के अंदर आ जाएगा। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर थोड़ा इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे और ले लेंगे, दोनों का पेस्ट बनाएंगे पूरा अच्छी तरह से, दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है ये भी। तो हम अभी हम इनको मिलाएंगे अच्छी तरह से। और एरोल्डाइट आटा को हमेशा आपको 24 घंटे सूखने का टाइम देना ही होगा। और इसको अच्छी तरह से आपको इस तरह से दोनों का आपस में मिला लेना है। और आटा को लगा के आपको 24 घंटे रखना है, ध्यान रखना है ये 24 घंटे लगता है इसको सूखने में। और एक बार ये सूख गया तो आप कभी नहीं उठेगा। तो अभी हम पहले मैग्नेट में इस तरह से पूरा रगड़ के पूरा मैग्नेट में लगाएंगे और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर आटा लगाना है ताकि दोबारा आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैग्नेट में आपको अच्छी तरह पूरा रगड़ के घिस के लगाना है ताकि उसका पूरा अंदर जा सके और यहाँ आटा पूरा बैठ सके। और अब हम लगाएंगे फैन की जो बॉडी है इस पर भी हम इस तरह से लगाएंगे पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दिया है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको लगाना है। और अभी हम इस फैन को भी लगाएंगे बॉडी में, यहाँ पर भी अच्छी तरह से पूरा रगड़ के लगाएंगे। आपको रगड़ के लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि रगड़ के लगाएंगे तो ये पूरा उसके साथ ही अटैच होगा ताकि ये दोबारा छूट के ना बाहर आ जाए। तो इस तरह से पूरा रगड़ के लगाना है, ध्यान रखना है। और जितना ज़्यादा हो सके आपको यहाँ पे आटा का यूज़ करना है और एरोल्डाइट आटा ही आपको यूज़ करना है। और इस आटा को सूखने के लिए 24 घंटे टाइम लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा क्योंकि ये उल्टा हो चुका है। अब ये मैग्नेट का उल्टा साइड होता है, आपको ध्यान रखना है। उल्टा साइड में लगाएंगे तो आपको ये बाहर की तरफ खींचेगा। तो देख सकते हैं उल्टा साइड लगाया था इसलिए बाहर की तरफ हमें खींच रहा था। और अब हम इसको इस तरह से सीधे करके लगाएंगे। तो सीधा जब होगा ये पूरा बॉडी के साथ चिपक जाएगा और उल्टा होगा तो आपको बाहर की तरफ धकेलेगा। तो ये ध्यान रखना है। और अभी हमने इसको पूरा लगा दिया है और इस तरह से अब हम 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे और पूरा सुखाएंगे। और उसके बाद ही इसका मतलब फैन को हम यूज कनेक्शन करेंगे और कॉइल लगाएंगे। तो अभी हमने पूरा लगा दिया है, देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से ये बैठ चुका है। और 24 घंटे अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही कॉइल को लगाएंगे। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ एरोल्डाइट आटा का यूज़ करेंगे तो आपको 24 घंटे सुखाने के लिए देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसका उल्टा साइड होता है, ध्यान रखना है। उल्टा साइड लगाएंगे तो ये बाहर की तरफ आपको धकेलेगा, तो समझ लेना कि ये उल्टा साइड है। तो देख सकते हैं हमने किस तरह से। तो गाइस देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ रहता है, जो मैग्नेट में आटा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये फैन जब भी हम चलाते हैं इसमें गर्म होकर हीट पैदा होकर इसका आटा का जो टेम्परेचर है चला जाता है, उसके बाद ये मैग्नेट बाहर आ जाता है और हमारा कोयल के साथ अटैच होकर इसका इसमें साउंड का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको जिस तरह दिखाया है एरोल्डाइट आटा का यूज़ करके इसको आप 24 घंटे सुखा के लगा देंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। तो अब हम इसको 24 घंटे सुखाने के बाद लगाएंगे और इसका प्रॉब्लम जो है 100% दूर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल NS इलेक्ट्रिक को भी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।